आज का हमारा टॉपिक है कोगुलेशन फैक्टर। देखिए कोगुलेशन फैक्टर होते कितने, तो देखिए 13 कोगुलेशन फैक्टर है, फर्स्ट से लेके 13 तक। अपन सबको एक एक करके इनका नाम और कहाँ पे बनते हैं वो, तो देखिए पहला जो कोगुलेशन फैक्टर है उसका नाम है फिब्रिनोजन, जो कि लीवर में बनता है। दूसरा कोगुलेशन का फैक्टर है उसका प्रोथ्रोम्बिन, ये भी लीवर में बनेगा। तीसरा कोगुलेशन फैक्टर होगा जो कि होगा टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ये बहुत सारे टिश्यूज में बनता है। चौथा कोगुलेशन फैक्टर होता है कैल्शियम, जो कि डाइट और बोन से अपन को मतलब एक्वायर होता है। पांचवा कोगुलेशन फूल फैक्टर होता है वो लेबाइल फैक्टर, वो जो कि लीवर और प्लेटलेट से बनता है। और छठा कोगुलेशन फैक्टर होता ही नहीं है। सातवां कोगुलेशन फैक्टर जो कि स्टेबल फैक्टर होता है, जो वो भी लीवर से। और आठवां एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन और एंटी हीमोफेलिक फैक्टर, वो भी लीवर से बनता है। नम्बर जो कोगुलेशन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, वो भी लीवर से बनता है। 10th कोगुलेशन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं स्टोर्ड पावर फैक्टर, जो कि लीवर से बनता है। और 11th कोगुलेशन फैक्टर होता है जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, वो भी लीवर से। 12th जो कोगुलेशन फोर फैक्टर होता है उसमें हैगीमैन फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर, वो भी लीवर से। और 13th जो फैक्टर होता है जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो भी लीवर और प्लेटलेट से। तो देखिए ये अपन ने सारे जान लिए कोगुलेशन फैक्टर, पहला फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर जो थ्रोमोप्लास्टिन, फिर कैल्शियम, फिर लेबल फैक्टर, फिर नोस कोई सिक्स फैक्टर है ही नहीं, फिर स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफेलिक ग्लोबिन और एंटी हीमोफेलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टोर्ड पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन को एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसी एक ही बात है। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये 13 फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर है जो कि अपने ब्लड कोगुलेशन या फिर कोगुलेशन फैक्टर्स है। इनकी साइट ये रही, ज़्यादातर लीवर है। देखिए कुछ कुछ में जैसे यहाँ पे 13 जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर उसकी प्लेटलेट है, और 14 की जो कि डाइट और इससे आता है, और लेबल फैक्टर है ये प्लेटलेट से आता है, बाकी सारे की ऑलमोस्ट सबकी लीवर ही है। तो ये हो गया अपना कोगुलेशन फैक्टर, और अब अपन अगले वीडियो में जानेंगे ब्लीडिंग टाइम के बारे में।